हेलो एवरीबॉडी, मेरे इस चैनल स्टोरी 24 में आप सबका बहुत स्वागत है। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है कहानी सुनना। अगर आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छी अच्छी कहानी सुना सकूं। तो आज मैं आप सबको हैरी पॉटर, जो कि एक बहुत बेहतरीन और रोमांचक कहानी है, वो सुनाने वाली हूँ। अगर आप सबको मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। परंतु तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है। वर्नन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। मैं कह देता हूँ आप तत्काल यहाँ से चले जाए सर, उन्होंने कहा। आप जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डर्सली डरपोक कही के भीमकाय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नन अंकल के हाथ से बंदूक छीनकर उसे इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे वो स्वर की बनी हो, और फिर उसे कमरे के कोने में फेंक दिए। वर्नन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया गया हो। भीमकाय आदमी ने डर्सली परिवार की तरफ पीट करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है उसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने काले ओवरकोट के अंदर वाली जेब से उसने थोड़ा दबा हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिस पर हरी निश्चय चौशनी में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। वो कहना चाहता था धन्यवाद, परंतु यह शब्द मुंह तक आते आते गुम हो गया, और उसके मुंह से धन्यवाद के बजाय यह निकला, आप कौन है? भीमकाय आदमी हंसा, सही बात है, हमने अपना परिचय नहीं दिया है। हम रूबियस हैग्रिड है, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी के बाहों को हिला कर रख दिया। तो चाय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। उसकी नजर खाली अंगूठी पर पड़ी, जिसमें सिकुड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े थे, और उसने नाक वो सिकुड़ी, फिर वो अंगूठी पर झुका। वे लोग ये नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु जब वो एक पल बाद हटा तो वहां पर आग की तेज लपटें धधक रही थी। आग की वजह से सीली झोपड़ी में लहराते हुए रोशनी भर गई, और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीम का आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, जो उसके वजन से दबा जा रहा था। वो अपने कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकलता गया, तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे रंग की बोतल, जिसमें से उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। जल्दी ही भून रहे कबाबों की आवाज और खुशबू झोपड़ी में भर गई। जब भीमकाय आदमी काम कर रहा था तो सब चुपचाप रहे, परंतु जब उसने छह मोटे रसदार हल्के भुने कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डेली थोड़ा छटपटाया। वर्नन अंकल ने तेजी से कहा,
डैडी उसकी दी हुई कोई चीज मत छूना। भीम का आदमी ने ढहाका लगाया, तुम्हारे मोटे थलतले बेटे को और मोटा करने की कोई जरूरत नहीं है डर्सली, चिंता मत करो। उसने हैरी को कबाब दिए जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे उसने इतनी अच्छी चीज पहले कभी नहीं खाई, पर अभी वो अपनी आंखें भीमकाय आदमी पर ही हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने भी कुछ नहीं बताया तो उसने कहा, माफ कीजिए परंतु मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। भीमकाय आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हथेली के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा, सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं और जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स में चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे। और नहीं, हैरी बोला, हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी, हैग्रिड गर्जा और डर्सली परिवार को घूरने लगा जो छायाओं के पीछे छुप गए। सॉरी, तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही थी, परंतु हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी मम्मी और डैडी ने ये सब कहां सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड गर्जा, जरा एक मिनट रुको। वो उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से से पूरी झोपड़ी के आकार का लग रहा था। डर्सली परिवार के दीवार से चिपक कर दुबका खड़ा रहा। क्या इसका मतलब ये है? वो डर्सली पति पत्नी की तरफ देखकर गुर्राया कि ये बच्चा किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ गई थी। वो स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीजें जानता हूँ, उसने कहा। देखिए, मैं गणित बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारे दुनिया के बारे में, तुम्हारी दुनिया, हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह बस फटने ही वाला था। टर्सली वो डर कर जा। बर्नन अंकल का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वे फुसफुसाकर काए-काए जैसा कुछ बोली। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। परंतु तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है वे लोग मशहूर थे। तुम भी मशहूर हो क्या? मेरे मम्मी डैडी मशहूर है क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता। हैग्रिड ने अपने बालों में उंगलियां फिराए और हक्का वक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नन अंकल की आवाज अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यही पर रुक जाइए सर, मैं आपको मना करता हूं कि आप इस लड़के को कुछ भी नहीं बताएंगे। वर्नन डर्सली से ज्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से टहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से से भरा थरथरा रहा था। तुमने उसे कभी नहीं बताया, तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर उसके लिए छोड़ गए थे। हम वही थे, हमने अपनी आंखों से डंबलडोर को चिट्ठी छोड़ते हुए देखा। डर्सली, तुमने इतने सालों तक उसे ये बात छुपा कर रखी? कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्नन अंकल चीखे। पेटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकाने भरी। तुम दोनों बाहर में जाओ और जाकर अपना सिर धुलो, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो हैरी, झोपड़ी के अंदर खामोशी थी।
सिर्फ समुद्र और सीटी बजाती हवा की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। जादूगर और क्या? हैग्रीड ने कहा और सोफे पर एक बार फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर गहराता हुआ थोड़ा और नीचे धस गया। और हम कहते हैं तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की जरूरत है। तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो उनका बेटा और क्या हो सकता है? और हमें लगता है अब समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया जिस पर हैरी स्याही में पता लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, फर्श चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर एल्विस डंबलडोर, ऑर्डर ऑफ मार्लिन, फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सॉसर, चीफ बर्लक, सुप्रीम मगवाम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विजर्ड्स। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय के लिए स्वीकार किया जा गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतजार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैकगनिगल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछे। कुछ मिनट बाद वो अटक अटक कर बोला, वे मेरे उल्लू का इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब है? तूफान की आग। इससे मुझे याद आया, हैग्रीड ने कहा और उसने अपने माथे पर इतनी जमकर हाथ मारा कि उसे कोई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। इसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर की दूसरी जेब से एक उल्लू निकाला, एक असली जिंदा, थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और चमड़े का एक कागज भी। अपने दांतों में जीभ दबाकर उसने चिट्ठी लिखी जिसे हैरी दूसरी तरफ से पढ़ सकता था। डियर मिस्टर डंबलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है, आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रीड ने चिट्ठी मोड़ी और उसे उल्लू को पकड़ा दिया जिसने उसे अपनी चोंच में दबा दिया। इसके बाद हैग्रीड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल दिया। फिर वो वापस आया और बैठ गया। जैसा ये करना उतना ही सामान्य है जैसे फोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसने उसे तत्काल बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रीड ने कहा, परंतु उसी समय बर्नन अंकल आग की रोशनी में आगे आए। उनका चेहरा राग जैसा था, परंतु वे बहुत नाराज लग रहे थे। वो नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रीड गुर्राया और बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोकते हो। क्या? हैरी ने दिलचस्पी से पूछा। मगलू? हैग्रीड ने कहा, जो जादू ना जाने। हम लोग जादू ना जानने वाले लोगों को इसी नाम से पुकारते हैं, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया में सबसे बड़े मगलो परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने इसे रखा था तो कसम खाई थी कि हम ये बकवास बंद कर देंगे, बर्नन अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि हम उसके अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। हाँ, जादूगर। आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था मैं जादूगर हूँ? पता था, पेटोनिया आंटी अचानक चीखी। हाँ पता था।
बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इसी तरह की चिट्ठी मिली थी और वो इसी स्कूल में चली गई। छुट्टियों में जब वो घर आती थी तो उसके जेब में मेंढक के बच्चे भरे रहते थे और वो चाय के कप को चूहे में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वो दीवानी हो गई थी, परंतु मेरे मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लीली तो ये थी, हमारी लीली तो वो थी। उन लोगों को गर्व था कि उनके घर में भी एक जादूगरनी थी। वे एक लंबी सांस लेने के लिए रुकी और बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कई सालों से ये वरास निकालना चाहती थी। फिर वहां उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए और जाहिर है मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं की तरह की बनोगे। उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसकी बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाके में? आपने तो मुझे बताया था कि वे लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहराया। वो इतने गुस्से से कूदा कि डर्सली परिवार अपने कोने में और पीछे सरक गए। लीली और जेम्स पॉटर का कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते थे? ये बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों, क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज में कहा। जब डंबलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें नहीं मालूम कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं या नहीं, परंतु किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बिना ये जाने तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो? उसने डर्सली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा ये होगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें ही बता सकते हैं। वो बैठ गया और कुछ पल तक आग को देखने की कोशिश करते रहे। हमें लगता है कि बात शुरू होते है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेते। कोई भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? तूफान की आंख, हैरी, लोग अब भी डर रहे हैं। हे भगवान, इस बात को समझना कितना मुश्किल है। देखो, वो एक ऐसा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वो इस रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया। इससे भी बुरा, बुरे से भी बुरा, उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खुला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। आप लिखकर बता दे, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें उसके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को कंपकंपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत कहलवाना। बहरहाल, ये जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगर को अपने दल में शामिल कर रहा था। कई जादूगर उसके दल में चले गए। कुछ तो डरे हुए थे, कुछ उसकी ताकत में थोड़ा हिस्सा चाहते थे।
क्योंकि वे अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बहुत बुरे दिन थे हैरी, कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अजनबी जादूगरों या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होने लगी। वो सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और कुछ उसने मार डाला भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स की एक लौती ऐसी जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। हमें लगता है कि डंबलडोर ही अकेले ऐसे जादूगर थे जिसने तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं थी। अब जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वे हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल थी। ये रहस्य है कि तुम जानते हो कौन है, उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वो जानता था कि वे डंबलडोर के इतने करीब थे कि काले जादू की तरफ कभी नहीं आएंगे, या शायद उसने सोचा हो कि वो उन्हें राजी कर लेगा, या फिर शायद वो सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो 10 साल पहले हेलोवीन की एक दिन उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था। तब तुम सिर्फ 1 साल के थे। वो तुम्हारे घर गया और हैग्रीड ने अचानक एक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक छिनकी मानो कोहरे की चेतावनी देने वाला बिगुल बल बचा हो। सॉरी, उसने कहा, परंतु ये बहुत दुख भरी कहानी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे और उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो कौन है उन्हें मार डाला और फिर, और दरअसल हैरानी की बात यह है, उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हमें लगता है वो तुम्हारे खानदान की पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, या शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में मजा आने लगा था, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे माथे पर यह अजीब सी निशान कैसे आया? ये कोई मामूली खरोच नहीं है हैरी। ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली और बुरा श्राप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने पहले ही मिटा दिया था, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया हैरी, और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे, और उसने अपने जमाने के बड़े बड़े जादूगरों को मार डाला। मैकिनन्स, बोन्स, प्रिवेट्स, तुम तो छोटे से बच्चे थे और फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक विचार आ रहा था। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनी की चौकाचौ देखी और उसे वो पहले से भी ज्यादा साफ दिखी। अब उसे कुछ और भी याद आया। जीवन में पहली बार एक तेज वाविन क्रूर हंसी। हैग्रिड उसे दुख भरी निगाहों से देख रहा था। तबाह हो चुके घर में से तुम्हें हम खुद निकाल कर लाए थे डंबलडोर के कहने पर, फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास लाए। बकवास बहुत हो चुकी, बर्नन अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वो लगभग भूल गया था कि डर्सली परिवार भी बहाव पर था। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे बर्नन अंकल की हिम्मत वापस लौट आई थी। वे हैग्रिड को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और उनकी मुट्ठी तनी हुई थी। आप कान खुलकर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं मानता हूं कि तुम थोड़े अजीब हो,
परंतु शायद इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहां तक तुम्हारे माता पिता के बारे में कही जा गई बातों का सवाल है, तो ये सच है कि वे जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है दुनिया उनके बिना ज्यादा अच्छी तरह चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, हमेशा जानता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। परंतु उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और उसने अपने कोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे बर्नन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए उसने कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, आगे एक भी शब्द कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए बर्नन अंकल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। वे दीवार से पूरी तरह टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर सोफे पर बैठ गया और इस बार सोफा इतना धस गया कि फर्श से जा लगा। इस बीच हैरी को बहुत से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल, परंतु बोला, सॉरी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी, गायब हो गया, खत्म हो गया, उसी रात को जिस रात को उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, वो दिनों दिन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, फिर वो क्यों चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, हमें लगता है ये बेकार की बात है, हमें नहीं लगता उसमें इतनी इंसानियत थी कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी कहीं पर है और अपना समय काट रहा है, परंतु हमें इस पर भी विश्वास नहीं है। जो लोग उसकी तरफ थे अब हमारी तरफ लौट आए हैं। कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वो वापस आ गया तो होता तो हमें नहीं लगता कि ये लोग लौटकर हमारी तरफ आ सकते थे। हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो अब भी कहीं पर है, परंतु उसकी शक्तियां चली गई है, वो इतना कमजोर हो गया है कि अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज थी हैरी जिसने उसे खत्म कर दिया। उस रात को ऐसा कुछ हुआ था जिसके उसके कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था, कोई भी नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज थी जिसने उसकी गिल्लियां बिखेर दी। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व अनुभव करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वो, ये कैसे संभव था? जिंदगी भर वो डेडली से मार खाता रहा, पेटूनिया आंटी और बर्नन अंकल की दहशत में रहा। अगर वो सचमुच जादूगर होता तो जब वे लोग उसे मालमारी में बंद कर देते थे तो वे मस्तदार मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था तो फिर डेडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह की कैसे मारता रहता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं हो? अच्छा, जब तुम नाराज या डरे थे तो क्या कभी तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं नहीं हुई? हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए तो हर वो अजीब चीज जिससे उससे अंकल आंटी उसे बुरी तरह नाराज हुए थे,
तब हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या फिर गुस्से में था। जब डेडली का गैंग उसका पीछा कर रहा था तो ना जाने कैसे वो उन लोगों की बहुत से दूर चला गया था। जब वो बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर रहा था तो उसके बाल अपने आप बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डेडली ने उसे मारा था तो क्या उसने बदला नहीं लिया था? हालांकि उसे ये पता भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता। क्या उसने उस पर सांप नहीं छोड़ दिया था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हैग्रिड पहले से ही देखकर मुस्कान बिखर रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। परंतु बर्नर्ड अंकल बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो नहीं जाएगा, उन्होंने फुफराते हुए कहा। वो स्टोनवॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है और इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वे चिट्ठियां पढ़ी है और उसे बहुत सी बाह्य चीजें चाहिए, जादू मंत्र की किताबें, जादुई घड़ी। और अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू भी उसे नहीं रोक सकता, हैग्रिड गुर्राया। लीली और जेम्स पॉटर का बेटा और हॉगवर्ट्स ना जाए? तुम पागल हो गए हो। उसका नाम तो वहां उसी दिन से लिखा हुआ है जब वो पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहां रहने के बाद वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा, जो यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। और वो हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। इसे जादू के कर्तव्य सिखाने के लिए मैं किसी सनकी बुढ़े को पैसे नहीं देने वाला, बर्नर्ड अंकल चीखे। परंतु आप उन्होंने हद पार कर ली थी, हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसे सिर के ऊपर घुमाया और गरजती आवाज में कहा, कभी भी हमारे सामने एल्बस डंबलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डेडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखे जैसी आवाज हुई, एक तेज चीख सुनाई दी और अगले ही पल डेडली अपने जगह नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्टे पर थे और वो दर्द से बिलबिला रहा था। जब उसने उनकी तरफ पीठ की तो हैरी ने देखा कि उसके पेट के छेद में सुअर की मुड़ी घुघराली पूछ बाहर लटक रही थी। बर्नर्ड अंकल दहराए, पेटूनिया आंटी और डैडी को दूसरे कमरे के अंदर धकलती है उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और अंदर घुसने के बाद दरवाजा धराम से बंद कर दिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, परंतु ये वैसे भी पूरी तरह नहीं हो पाया। हम उसे सुअर बनाना चाहते थे, परंतु हमें लगता है वो पहले से ही इतना सुअर जैसा था कि उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी घनी भौंहें के नीचे से हैरी को कंसकियों से देखा। वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम वॉगर्स में ये बात किसी को ना बताओ, उसने कहा। सच कहे तो हमें यह जादू करने की मनाही है। हमें थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई थी ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सके और तुम तक चिट्ठियां पहुंचा सके। ये भी एक कारण था जिस वजह से हम ये काम करने के लिए इतने उतावले थे। आपको जादू करने की इजाजत क्यों नहीं है? हैरी ने पूछा। वो ऐसा है, सच तो ये है कि कभी हम भी हॉगवर्ट्स में थे, परंतु हमें वहां से निकाल दिया गया हमारे 3rd साल में। उन्होंने हमारी जादुई छड़ी को 2 टुकड़े कर दिए, परंतु डंबलडोर ने हमें वहां पर रखवाले के रूप में रहने दिया। डंबलडोर महान है,
आपको बवाल से क्यों निकाला गया? अब बहुत देर हो चुकी है और कल हमें बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने जोर से कहा। कल शहर जाना है और तुम्हारे किताबें और बाकी का सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़ कर सो सकते हो, उसने कहा। अगर ये थोड़ा हिले दुले तो परेशान मत होना, मुझे लगता है किसी जेब में एक दो चूहिया होंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ आपसे हैरी पॉटर और पारस पत्थर के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।